ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल है। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। सेलर ऑफ लाइफ, ओह जागो जागो, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये बात है, जैसे इससे पहले जो भाई आए थे कि रिलीजन जो है वो क्यों नहीं, क्या मसला क्या है, खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं वो भी रिलीजन को मानते हैं और उनको सब पता है कि ये क्यों चीजें हो रही है, फिर भी वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं जब मुश्किल आती है। मैं इस चीज के बारे में काफी वक्त से पढ़ भी रहा हूँ अलग अलग धर्मों के बारे में। मैंने ये कंक्लूड किया कि जो सारे रिलीजन की मेन सोर्स है वो एक वो मेडिटेशन देते हैं, ध्यान देते हैं, मेडिटेशन की टेक्निक्स अलग अलग तरह से देते हैं, और दूसरी चीज की प्रेयर की टेक्निक्स, प्रार्थना करने की टेक्निक्स, और तीसरी चीज जो ये बात हो रही है कि सोशल टुगेदरनेस देते हैं। ये दे के आपकी अपनी जितनी बातें होती है वो मनवाते हैं। तो जैसे अब मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम थॉटलेसनेस को क्रेव करते हैं हम सारे लोग, तो उसके लिए चाहे हम नशे करें, गांजा फूके या सिगरेट पिए, शराब पिए, तो वो थॉटलेसनेस की क्रेविंग है जो हमें होती है, उसको रिलीजन फुलफिल करता है मेडिटेशन दे के। प्रेयर की टेंडेंसी की हम प्रार्थना करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं अपने आप को उस तरह से बनाने के लिए ताकि जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए। तीसरी चीज, जब लोग एक तरह के विचार को मानना शुरू कर देते हैं तो आपको एक सोशल टुगेदरनेस मिलती है। तो ये सब दे के वो जो आप बोलते हैं ना हवाई फाई ने मनवाते हैं, जो देते हैं, फिर हम उन चीजों को भी मानने शुरू हो जाते हैं जो लॉजिकल नहीं है, हमारे को लगता है कि ये सारी चीजें तो हमें मिल रही है ना। तो इसका इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है, जैसे आपको ये जो सारे लोग सुन रहे हैं तो आप ये तो बता रहे हैं कि कुरान में ये सब कुछ गलत है ना, कहीं ना कहीं गूगल से सर्च करके ये भी जान लेंगे कि ये चीजें सही से काम नहीं करती। वो बोलेंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरी प्रार्थना पूरी होती है। उन चीजों को अगर हम साइंटिफिकली और लॉजिकली और अच्छे से प्रूव कर दें, प्रार्थना कैसे काम करती है, प्रार्थना का बेसिक मोटो क्या है ना, तो शायद उनका बिलीफ उन चीजों से और खत्म हो जाएगा, क्योंकि तो उसको पता है कि यार दुनिया जो है चौड़ी नहीं है, है ना, फ्लैट नहीं है, सर्कुलर है, पता है उसको, तब भी वो इस्लाम में मानेगा, हिंदुइज्म में मानेगा ना, क्योंकि उसकी प्रार्थना पूरी हो रही है। तो प्रार्थना कैसे, अब जैसे सीक्रेट एक रुएंडा जी की एक किताब आई जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया उन्होंने कि ये ऐसे काम करता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं जो हमारे को रियलिटी देती है, एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक किताब है, तो उसमें भी ये चीजें बताई कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। वो सारी चीजें रिलीजन भी करता है, आप प्रार्थना करोगे तो वैसा होगा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर रहे हो अपने एम्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इन चीजों को भी जोर दे, क्योंकि बेस तो यही है ना, बेस तो मेडिटेशन ही है, बेस तो प्रेयर ही है, बाकी उसके साथ कुछ भी जोड़ दिया, ये रूल बना दिए सोसाइटी को चलाने के लिए, पॉलिटिकल करने के लिए, है ना, उस चीज को पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए, वो तो कुछ भी रूल्स वो बता सकते हैं, क्योंकि जो अंधा हो गया, जिसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, उसको पता चल गया कि उसको सुकून मिल रहा है, कुछ भी है पर 5 वक्त की नमाजें लेके उसको सुकून मिल रहा है, तो वो नहीं मानेगा कि अब वो कहाँ से, वो अल्लाह ने बाकी चीजें बोली हो फिजूल है कि नहीं है, पर उसको सुकून तो मिल रहा है ना। जी ठीक है, काफ़ी बातें आपने की। देखिए मैं आपके लिए ये देख रहा था कि आपने जो कहा कि साइंटिस्ट भी मानते हैं, एक दो चीज़ें मैंने फटाफट मैंने ये पढ़ी हुई स्टडीज, इसलिए रेफरेंस देना ज़रूरी होता लोगों के सामने।
रखने का, तो अभी मैं ढूंढ ही रहा था वो रेफरेंसेस। देखें, मोस्टली ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है ना साइंटिस्ट की, वो अब रिलीजन्स पे यकीन नहीं रखती, और जो गॉड में बिलीव भी करते हैं वो वैसा वेक सा आइडिया है, वो ऐसा एक वो आइंस्टाइनियन किस्म का स्पिनोजा का गॉड है, जिसके ऊपर जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ गॉड के अंदर वो नहीं आता। तो इसीलिए मैंने ये किधर गया यार, अभी तो मैंने डाउनलोड किया था, स्क्रीनशॉट देखो लिया था चीज है, यार। आपने अगर ओशो के बारे में पढ़ा होगा, ओशो जो रजनीश है, ओशो जो हाँ जिन्होंने हाँ मैंने ओरेगन सुना है, में क्या, अपना, हाँ हाँ क्या उनके बारे में क्या कहना। तो उन्होंने तो आइडिया ऑफ गॉड निग्लेक्ट कर दिया था। तो उन्होंने लोगों को इंडिविजुअलिटी के ऊपर करने की लाने की कोशिश की है ना, पर भाई इंडिक वैल्यूज सर, इंडिक वैल्यूज को डिसाइड ही कोई कर पाता क्या इंडिक वैल्यूज हैं? आपके सदगुरु जी कुछ और कहते हैं इंडिक वैल्यूज के ऊपर, वो उस वैल्यूज नहीं, इंडिविजुअलिटी के ऊपर, इंडिविजुअलिटी की जिसकी हम बात इंडिविजुअलिटी। ओ राइट राइट ओके, इंडिविजुअलिटी ओके सर। ये मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल ये शेयर कर लूं, ये प्यू का सर्वे है 2009 का, ये भी पुराना है, इसमें भी देखें 33% पीपल जो है वो साइंटिस्ट जो है साइंटिस्ट वो गॉड में बिलीव करते हैं, 18% नहीं करते, 41% हु डोंट बिलीव इन आइदर, यानी वो एग्नोस्टिक है। तो 41 + 18 कितना होगा, 7 ने रिफ्यूज कर दिया जवाब देने। तो जो 33% है ये बिलीव करते हैं गॉड में। अब इनके भी जब हम जाते हैं, ये मैं इससे कोरिलेशन दूसरी ढूंढ रहा था रिसर्च, जिसमें साइंटिस्ट से फर्दर पूछा गया कि क्या वो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, क्या वो बिग बैंग पे बिलीव करते हैं। तो उसमें एवोल्यूशन का एक स्टैट था, 98% बायोलॉजिस्ट बिलीव कि एवोल्यूशन हुई है। सो यू नो मेरा पॉइंट ये है, जब आपने गॉड की बात की या रिलीजन की बात की, मेरा पॉइंट ये था कि जितने जो एक्सपर्ट्स होते हैं जब वो फर्दर जाते हैं, बड़े कम आपको एग्जाम्पल्स मिलती हैं जो साइंटिस्ट भी होते हैं और एक हार्ड कोर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे फ्रांसिस कॉलिन, एक बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है, जिन्होंने डीएनए डिकोड किया। अब वो क्रिश्चियन और ट्रिनिटी के ऊपर यकीन रखते हैं, ये बात समझ नहीं आती कि सर ये इतना एडवांस आदमी इस तरह की लिटरली ट्रिनिटी के ऊपर बात करता। तो ये जो इस तरह की आपको कम एक्सेप्शन मिलती है, लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं वो इस पे यकीन नहीं रखते। तो जो ओवरऑल जो मेरे बोलने आपका, का मतलब ये है कि यकीन, जैसे चार्ल्स डार्विन थे, उनका भी तब विश्वास उठा था भगवान से, उससे जब उनकी बेटे की या बेटी की डेथ हो गई थी, राइट तो उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, पर कहीं ना कहीं उनके पास ये नहीं था पता कि प्रेयर कैसे पूरी हो रही है उनकी, कि वो प्रार्थना करते हैं तो हाँ, तो वो नहीं क्या सिस्टम। वो सिस्टम नहीं है ना, वो इंसान की वीकनेस है ना, वो इंसान की अपनी वीकनेस है कि जब कोई मर जाता है अब क्या करें। अब जब आपका क्या यार, भी एक और ज़हन में एग्जांपल आई थी, मैं क्या ये समझता हूँ इस तो बारे हाँ, ये तो हमारी इंसान की अपनी वीकनेस है ना, इससे कुछ आपका, सॉरी आइजक न्यूटन, इतना बड़ा साइंटिस्ट, मॉडर्न फिजिक्स का बाप माना जाता है उसे, ही वॉज अ गॉड बिलीवर। अब उन तक वो आर्ग्यूमेंट्स, वो हो सकता है उसने वो आर्ग्यूमेंट, अब तो खैर आर्ग्यूमेंट तो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स तो बड़े अरसे से रहे हैं, लेकिन जो साइंटिफिक फैक्ट्स जो हमें मिलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो एक एक गॉड ऑफ द गैप्स के जो आर्ग्यूमेंट्स को उड़ाते जाते हैं, वो अब देखें, अब बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि एक वक्त गुजरा था मेरे ऊपर कि एक रोमांटिक सा मसला था हमारी जिंदगी में, एज यू डू, लड़की का मसला है। तो वो उस वक्त मुझे इतना डिप्रेशन हो गया कि हालांकि मुझे कभी इस तरह की हरकत नहीं होती, मैंने ये वाक्या लिखा हुआ किताब में। तो उस वक्त मैंने कहा, उस वक्त भी मेरा दिमाग थोड़ा साइंटिस्ट दिमाग है, मैंने उस वक्त भी कहा, अल्लाह मियाँ अब मौका है आपके पास, एविडेंस दे दो। मैंने तब भी अल्लाह मियाँ के ऊपर ना बंदूक रखी। मैंने कहा मेरी जो लड़की जो नाराज हुई है ना उसको मनवा दे दोबारा, उसको फिर से फंसा दे अल्लाह मियाँ। मैंने कहा कोई एविडेंस दे, तो नहीं खजा नहीं पाता है ही नहीं अल्लाह मियाँ। तो मैंने फिर लड़ाई कर ली अल्लाह मियाँ से बड़ा बड़ा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इवन डिप्रेशन में भी, जब आप बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, इमेजिन करें कोई आपकी माँ मर जाए, आपका बच्चा मर जाए, तो उस वक्त आप प्रे करने पर मजबूर हो जाते हैं। इवन हार्ड कोर एथियस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसको वो पेन इतनी हो करेगा रही होती है। सो दैट डजंट, हाँ। लेकिन बट यू नो बट हैविंग सेड दैट, लेकिन आई जस्ट केम आउट ऑफ दैट, मैंने फिर भी अपना जो मेयार था ना, साइंटिफिक मेयार मैंने रखा हुआ था। कई लोग उसको बचकाना बात कहेंगे, कुछ लोग, बट डजेंट मैटर, लेकिन बट इट डजेंट मीन एनीथिंग, नन ऑफ द, अगर हम ह्यूमन, अगर हम प्री वायर्ड कंडीशन भी होते हैं ना, अगर हम सारे,
टू बिलीव इन अ गॉड, इवन देन इसका इससे ये प्रूव नहीं होना था कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। गॉड की एग्जिस्टेंस की बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारी अप्रोच है इस चीज को लेके कि हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। कि प्रार्थना जरूरी नहीं है कि आप किसी भगवान से ही करेंगे, आप पत्थर से कर लो, ठीक है, और मैं मेरे सामने चेयर है और मैं इसको मानना शुरू कर दूं कि यार ये है, तो मैं बेसिकली अपने या तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर रहा हूँ कि मेरा ये एम पूरा हो जाए, ताकि मेरी एक्टिविटीज मैं ऐसे स्टेप्स लूं सबकॉन्शियसली तो मेरे को वो एम दिलाने में मदद करे। एक इसका एक कारण ये हो सकता है ना। वैसे ही हमारे को इसको निग्लेक्ट करने से कि प्रेयर काम नहीं करती, इससे बेहतर है कि हम इसको समझने की कोशिश करें कि बेसिकली फंडा क्या है। क्योंकि अगर फिर आप आर्गुमेंट दोगे ना किसी इस्लामिस्ट को या हार्डकोर हिंदुइस्ट को, हिंदुइज्म में मानने वाले को कि भाई ये है, तो फिर उसका विश्वास फिर डगमगाएगा कि यार ये है, ठीक है, और हाँ ये ऐसे है लोगों के साथ। देखिए डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, डिफरेंट चीजें लोगों को अप्रोच करती हैं। जाहिर बात है जो लोग हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं उनको ज्यादा पता है कि क्या अप्रोच कर सकता है, डू दे हैव इंटरेस्ट इन डूइंग दैट। जैसे हिंदू एथियस्ट होते हैं वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट यू नो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अप्रोचेज और डिफरेंट चीजें। लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड, यू नो इट माइट वर्क ऑन मेनी पीपल। चले इस चीज में ना मैंने एक और चीज देखी है हिंदुस्तान में, क्या होता है ये जो तीन चीजें है ना, ये यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स है, बहुत स्पिरिचुअल गुरु है, क्योंकि हिंदुइज्म जो रिलीजन है वो कोई बेसिकली एक रिलीजन ही है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन है, कई तरह के धर्म जुड़े, उस लैंड को बोल दिया, उन लोगों को बोल दिया हिंदू। तो यहाँ पे ये भी कारण है कि एक पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रहा हमारे ऊपर, कोई रिलीजन को पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे इस्लाम में आपके पास कुरान है जिसके पास पूरा कंट्रोल है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसकी वजह से वो कंट्रोल देने के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल लीडर्स आ जाते हैं, वो मेडिटेशन सिखाते हैं और वो प्रेयर के अलग अलग तरीके समझाते हैं, सिखाते हैं, जो शायद किसी के लिए काम करते होंगे, उसके बाद वो उनको सोशल ग्रुप देते हैं और उनके उनसे उनकी सारी लॉयल्टी, उनका सारा पैसा, उनका सारा सब कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल ले लेते हैं और उनको फिर से वैसे ही मतलब उनका इस्तेमाल करते हैं। ओशो ने भी ऐसा किया, ओशो ने बोला कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है ना, उसने क्या किया, अब उसने हर चीज को निग्लेक्ट किया, हिंदुइज्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, सबको गाली दी, पर लॉजिकली दी कि ये सारी चीजें खराब क्यों है, गलत क्यों है, उसने फैक्ट्स बताए, लोगों ने माना, लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया वहां पे अमेरिका में अपना पूरा शहर बसा लिया, क्योंकि लोगों को तो वो दे रहा है ना जो उनको चाहिए, उनको मेडिटेशन चाहिए, लोगों को नशा चाहिए, थॉटलेसनेस चाहिए, वो दे रहा है, और सोशल टुगेदरनेस दे रहा है, और प्रेयर करने के तरीके दे रहा है। तो लोगों ने अपनी लॉयल्टी उसकी तरफ शिफ्ट कर दी, उसने मना किया कि गॉड नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि अगर वो लोगों को बोलता वहां पे जो ओरेगन में उसने सिटी बसाई थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर रिवोल्ट कर दो, मारना शुरू कर दो, वो करते। चले चले हाँ सर आगे, ठीक है, बड़ा शुक्रिया आपका, अपने 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 ख्यालात शेयर किए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।